आदाब नाजरीन, मैं सबाहतुल्लाह, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आप सबका इस्तकबाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। खादरबाग फ्लोर मिल में सेंटरिंग का काम करने के दौरान एक नौजवान फिफ्थ फ्लोर से नीचे गिर गए। नौजवान की हालत बहुत सीरियस है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद कासिम नामी नौजवान, जो पी सेंटरिंग का काम किया करते हैं और हकीम पेट में किराए के घर में रहते हैं और तीन मासूम बच्चों के बाप भी हैं, जुमे के दिन फ्लोर मिल में मुकर्रम बिल्डर की साइट पर काम करते वक्त कासिम फिफ्थ फ्लोर से नीचे गिर गए और बहुत जख्मी हो गए। जख्मी कासिम को इलाज के लिए प्रीमियर हॉस्पिटल ले जाया गया। सेंटरिंग यूनियन का कहना है कि अगर सेफ्टी मेजर्स पहले ही लगाते तो ये हादसा पेश ना आता। बिल्डर मुकर्रम अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अभी तक सब कॉन्ट्रैक्टर ही खर्च उठा रहे हैं। सेंटरिंग यूनियन और कासिम की बीवी ने हुकूमत और पुलिस से इंसाफ की अपील की। आगे की तफसील सुनिए उन्हीं की जुबानी। स्टार न्यूज एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे आइए, हमारे शोहर और ज़िंदगी और माँ से लड़ रहे, बहुत परेशान है, आईसीयू रूम में है और हम गरीब है, मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे है, मेहनत करके जीने वाले है, सब जो भी है उनके ऊपर है, उनके ऊपर सब है, उनके ऊपर से चलते हैं। और मेरे को कुछ जाती मकान नहीं है, मैं किराए के रहने वाली और मैं बहुत परेशान हूँ। कल से मेरे बच्चे, मई जो भी है हमारे, बहुत परेशान है। आप हमारी मदद करो, करा रहे बिल्डर नहीं आए, बिल्डर आए नहीं, कुछ रिस्पांस नहीं, कुछ भी नहीं। और उन्होंने आना, उनका इलाज करना, वही हमारी अपील है और गुजारिश है उनसे, और आइए उनका इलाज करना आके जो भी है। हुकूमत तेलंगाना से यही गुजारिश करता हूँ कि ये मोहम्मद कासिम जो पाँचवें फ्लोर पर से गिर गए, मुकर्रम साहब की साइड पे से गिर गए, ये इनका इलाज जल्द से जल्द कराना। इन्हों बिल्डर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप आके यहाँ पर आके दवाखाने को आके इलाज कराना बच्चे का। बस हमारे से यही है, हमारा डिमांड यही है बस आपसे। मैं टोली चौकी जोन सेंटरिंग यूनियन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जफर खान, मेरे बाजू जो ठहरे हुए टोली चौकी जोन सेंटरिंग यूनियन प्रेसिडेंट सैयद जावी साहब, और ये तरफ जो ठहरे हुए MIM के सीनियर लीडर हकीम पेट के मजीद साहब, आज आप मीडिया को बुलाने का हम लोगों का जो मकसद है, नाना नगर जो है खादरबाग के जो हलके में नाना नगर के हलके में जो खादरबाग बोल के आता है, खादरबाग में कल जुम्मे के रोज़ फ्लोर मिल में एक हादसा पेश आया, जो मोहम्मद कासिम उर्फ मोहम्मद नवाब जो पाँच फ्लोर पे से गिर गए, उनको बहुत इंजरीज हुए। 99% तो उन्होंने टोटली अभी डैमेज होकर बेड के ऊपर है। कल से अभी तक बिल्डर साहब का कोई तयफ़ुम नहीं है उसमें, ना बिल्डर साहब आने के लिए तैयार है, ना बिल्डर साहब बात करने के लिए तैयार है। और आप लोग, बिल्डर साहब का मोहम्मद मुकर्रम साहब नाम है उनका, अभी उन्होंने कुछ भी टोटल रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग आज लंगरोस पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस स्टेशन में मजीद साहब के तरफ से कंप्लेंट हुई। मजीद साहब को पुलिस वाले भरोसा दिलाए कि कल FIR करेंगे बोल के। मैं गुजारिश कर रहा हूँ साहब, आप लोग थोड़ा निकल कर के जो बच्चों को जो काम करने वाला तकवा है साहब, आप लोगों के भरोसे पे काम करते हैं साहब, निकल के वो बच्चे आप लोग एक सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लोड डाल दे रहे। सब कॉन्ट्रैक्टर को भी साहब 10-20 हज़ार रुपये बचना रहता, ज़्यादा का काम नहीं रहता साहब, वो भी छोटा मोटा गुत्तेदार रहता, वो भी कहाँ से बटन करेंगे बोलो। अब कल से उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, खादर है, उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपये का अभी तक ट्रीटमेंट करवा चुके हैं हॉस्पिटल में। अभी उन्होंने भी बोल रहे हैं मेरे कने फाइनेंशियल क्राइसिस अभी अच्छे नहीं है भाई बोल के यूनियन को बुलाए। उन्होंने कल से यूनियन उनके संगाती से, आज भी हम सुबह से खाए नहीं, पिए नहीं, कुछ नहीं करे, अभी तक भी हम भी यहीं हॉस्पिटल कने कहीं को बोलो, हमारे को बच्चे का दर्द, हमको हमारे को बच्चे का दर्द है साहब, इसीलिए हम आके निकल के छोटे छोटे बच्चों को देख के साहब, हमारे को भी हमारे बच्चे याद आ रहे। किसी बच्चे के सर पे से बाप का साया जाना कितनी बड़ी बात है, किसी को गए तो मालूम होता साहब। आप लोग वो दर्द को महसूस करो, थोड़ा निकलो आप लोग। और मैं हुकूमत है तेलंगाना से गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो होम मिनिस्टर हैं जनाब महमूद अली साहब, उनको तो मैं ख़ास तौर पे बोलना चाह रहा हूँ, महमूद अली साहब आप ख़ास तौर पे जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ऑल ओवर तेलंगाना में,
खास तौर पे इन लोगों को सेफ्टी के लिए आप लोग गोवा डालने के लिए बोलिए। 5-5 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चला रही, 6-6 फ्लोर इलीगल कंस्ट्रक्शन चला रही, 7-7 फ्लोर चला रही, मगर उसको गोवा नहीं बन रही। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, खाली काम दे देते कॉन्ट्रैक्टर को बुला के, उनका वर्कर के ऊपर रिस्क रहने दो, क्या भी रहने दो, हमारा काम होगा तो बस से बोल रही। ऐसा नहीं होता साहब, आप लोग थोड़ा समझिए, आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिए, आप लोग थोड़ा ताउन करिए। और मैं एरिया एमएलए कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कौसर मोइनुद्दीन साहब सुबह से मजीद साहब से टच में है, मजीद साहब से बात कर रही, और थोड़ी थोड़ी देर को कौसर मोइनुद्दीन साहब फ़ोन करके बच्चे का खुद कौसर मोइनुद्दीन एमएलए साहब खुद अपडेट लिए मजीद साहब से। आज इवनिंग में भी एमएलए साहब फ़ोन करें, मीटिंग में रहते बावजूद फ़ोन करें एमएलए साहब। आपकी डिमांड क्या है फिलहाल? अभी मेरी डिमांड तो देखिए साहब एक ही है, बिल्डर साहब थोड़ा आना, बिल्डर साहब बैठ के बच्चे के फैमिली से बात करना, बच्चे के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं उन्हों, कांटेक्ट करके बात करके बिल्कुल उन्हों मैं क्या करूं, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं बोल दे रहे। ऐसा नहीं होता साहब, थोड़ा आए आप, कमेटी है, यूनियन है, यूनियन को बोलते हैं कहीं को बुलाए। अरे साहब ये का यूनियन बनी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, अगर हम लोग नहीं आए तो आप लोग आके करते क्या? कल को कुछ हुआ तो हमारी अमावस रहती है, अमावस के भी दिन करते। हमारी सेंट्रल की कमेटी है, सेंट्रल की सेंट्रिंग यूनियन एसोसिएशन भी है, उसके भी प्रेसिडेंट सेंट्रल कमेटी के जनाब पी कृष्णा साहब है, यादगिरी साहब वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी चांद साहब है, ये सब कमेटियाँ हैं साहब। हमारे को भी प्रेशर रहता ऊपर से, क्या काम कर रहे तुम लोग, बच्चे का हुआ तो ऐसा क्यों नहीं गए? बल्कि हम लोग आके किसी को वहाँ पर मिसबिहेव नहीं करे, किसी के संगात में कोई रफली टॉकिंग नहीं करे। आप लोग करे बाद में भी हम लोग आ गए वहाँ से, ठीक है साहब चलिए कल बात करके बोलते हुए। मगर आज शाम तक आप लोगों का टोटल जीरो रिस्पॉन्स है, बच्चा आप जिंदगी और मौत के मुँह में, मगर आप लोग अभी तक भी कोई आप लोग आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, और आगे की जो बातचीत है उनके पुपेरे भाई है होना है मजीद साहब के, जो MIM के सीनियर लीडर है हकीम पेट के, उन्होंने बोलेंगे आपको तमाम तफसील। आप